हाइड्रोलिक वाइल निकल रहा है, देख सकते हैं हाइड्रोलिक पंप चेंज होगा क्योंकि इसका जो स्टेयरिंग है बहुत स्लो कटता है और बूम भी बहुत स्लो उठता है। पंप फेल होने के कारण बहुत फंक्शन स्लो काम करता है, इसलिए पंप हाइड्रोलिक पंप चेंज किया जा रहा है। अभी हाइड्रोलिक वाइल निकाला जा रहा है, देख सकते हैं पंप खोला जा रहा है, देख सकते हैं क्रॉस खुल चुका है। अब ये 19 नंबर का बोल्ट खोलेंगे और ये बोल्ट खोलेंगे, पंप बाहर आ जाएगा, उसके बाद फिर नया पंप इसमें लगा देंगे। देख सकते हैं पंप खुल चुका है, पंप खोल के निकाल दिया गया है। अब नया पंप देखिए आ चुका है और यही पंप लगने वाला है। देख सकते हैं न्यू पंप लगाया जा रहा है, नया हाइड्रोलिक पंप फिट किया जा रहा है। देखिए पॉपुलर सब लगाया जा रहा है, देखिए पॉपुलर सब लग चुका है, देखिए पॉपुलर सब टाइट किया जा रहा है, देख सकते हैं पॉपुलर सब लग चुका है, टाइट हो चुका है। अब इसका हाइड्रोलिक पाइप कनेक्शन करने के लिए बाकी है, शायद पंप फिटिंग हो जाएगा। देखिए पॉपुलर सब लगा दिया गया है, पंप भी फिट हो चुका है, अब इसका हाइड्रोलिक पाइप लगाने के लिए बाकी है। देख सकते हैं पाइप कनेक्शन किया जा रहा है, हाइड्रोलिक ड्रेन नट खोल करके पूरा हाइड्रोलिक वाइल निकाल दिया गया है। देख सकते हैं हाइड्रोलिक ड्रेन नट खोल दिया गया है, वाइल जो भी बचा हुआ था सब निकल चुका है, यहाँ से खोल दिया गया है सब फिल्टर वगैरह। अब टंकी को साफ किया जा रहा है, देख सकते हैं सभी फिल्टर खोल दिया गया है। हाइड्रोलिक फिल्टर, हाइड्रोलिक स्टेनर फिल्टर दोनों खोल करके निकाल दिया गया है। हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज होगा, हाइड्रोलिक स्टेनर फिल्टर चेंज होगा, दोनों फिल्टर को चेंज किया जाएगा। देख सकते हैं हाइड्रोलिक टंकी क्लीन कर दिया गया है, धुला गया है, देख सकते हैं पूरा चकाचक हो गया हाइड्रोलिक टंकी। अब इसमें फिल्टर लगाएंगे और उसके बाद फिर हाइड्रोलिक डाला जाएगा। ये देखिए स्टेनर फिल्टर अभी हम लगाने वाले हैं, खाली सुधेरे वो है सब बात। तो अभी स्टेनर फिल्टर लगाया जा रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं। स्टेनर फिल्टर लगाने के बाद हाइड्रोलिक डालेंगे, उसके बाद इसका हाइड्रोलिक फिल्टर लगाया जाएगा। देख सकते हैं फाइनली कसा चुका है, अब हाइड्रोलिक तेल डाला जाएगा टंकी में इसका। देख सकते हैं हाइड्रोलिक तेल डाला जा रहा है, 68 नंबर हाइड्रोलिक तेल लगता है इसमें। तो फाइनली देख सकते हैं हाइड्रोलिक तेल डला चुका है, अब इसका हाइड्रोलिक फिल्टर कसेंगे और इसका पाइप कनेक्शन करेंगे। देख सकते हैं सब खुला हुआ है, इसका पाइप कनेक्शन करेंगे। सभी लोग देख सकते हैं लेवल गेज में देख सकते हैं हाइड्रोलिक वाइल दिखा रहा है, लेवल गेज नया लगा दिया गया है।
देख सकते हैं बोल्ट से भी कसा चुका है, हाइड्रोलिक वाल डाल दिए हैं, तो अभी से कैप लगा दिया जा रहा है। अब उधर हाइड्रोलिक फिल्टर लगेगा, इधर कंप्लीट हो चुका है। अब हम हाइड्रोलिक फिल्टर लगाने वाले हैं, देख सकते हैं हाइड्रोलिक बॉडी लगेगा, उसके बाद हाइड्रोलिक फिल्टर लगाया जाएगा। देख सकते हैं इसे पैकिंग काटा जा रहा है। पैकिंग कट चुका है, अभी से सोल्यूशन दे करके फिट करने वाले हैं। हाइड्रोलिक फिल्टर लगाने जा रहे हैं, कैप भी टाइट हो चुका है, तो उसका पाइप कनेक्शन करेंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को देखने को मिला होगा कि किस तरह से पंप चेंज किया जाता है, हाइड्रोलिक पंप, और उसका हाइड्रोलिक वाल्व किस तरह से चेंज किया जाता है। आप सभी लोग देख ही लिए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।